हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जो आई एम श्योर गुजराती लोग हैं वो आज थोड़ा बिजी होंगे, क्योंकि आज रांधण छठ है। जो बाकी लोगों को भी मैं बता दूं कि जो गुजरात में ना जो कल का दिन है, यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले वाला दिन, वो शीतला सातम के रूप में मनाया जाता है। और इसीलिए आज के दिन जो छठ होती है, सातम से एक दिन पहले खूब सारा खाना बनाया जाता है, और फिर सातम के दिन घर में गर्म खाना नहीं बनता है, गैस नहीं जलता है, ठंडा खाना खाया जाता है। ज़्यादातर जो ये शादीशुदा होते हैं और जिनके बच्चे होते हैं, वो महिलाएं ये व्रत फॉलो करती है शीतला सातम का। बट वो रांधण छठ को खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती है, एक दिन पहले बना के सब रख देते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। तो बस आज इसी को देखते हुए एक पुरानी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, और काफ़ी दिन बाद मुझे आज याद आया आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप भी इसको बना सको। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए शीतला सातम का व्रत रखना भी ज़रूरी हो, ये आप कभी भी बना सकते हो। आज हम बनाएंगे फरसी पूरी। फरसी, गुजराती में फरसी बोलते हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली क्रिस्पी, कुरकुरी। तो उसी वैसी वाली हम पूरी बनाएंगे, जो नॉर्थ इंडिया की मठरी से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, बट ये मेन वही होता है जो मठरी है, एक तरह की ये मठरी ही है, फरसी पूरी जिसको गुजराती में बोलते हैं। और ये चाय के साथ आप किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हो, अचार के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो, और इसको बना के आप 10-15 दिन तक आराम से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके इसको आप रख सकते हो फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि शीतला सातम के दिन आपके घर में क्या बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये डालिएगा। तो अभी ये बनाने की शुरुआत करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, लिया है 1 कप मैदा है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना आटा मिलाया है। मैं वैसे आप चाहो तो आधा मैदा और आधा आटा भी डाल सकते हो, बट मैदा डालने से ही वो जो स्ट्रक्चर होता है फरसी पूरी का ट्रेडिशनल, वो आता है, इसीलिए मैंने मैदा यूज़ किया है। कभी कभी हम ये खा सकते हैं, रेगुलर नहीं खाना चाहिए, बट वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। तो इसमें 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा है, और 1 टेबलस्पून जितनी मैंने सूजी मिलाई है। सूजी से कुरकुरापन आता है, काफ़ी क्रिस्पी बनता है। ट्रेडिशनली इसमें सूजी नहीं मिलाई जाती है, ये मैंने खुद अपना इनोवेशन है मेरा, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मेन चीज़ इसमें होती है वो होता है मोइन। जो मोइन है वो बहुत ज़्यादा इसमें डलता है, और मैं इसमें घी और तेल दोनों का मिक्स डालूंगी। आप चाहो तो खाली घी का भी डाल सकते हो, बट दोनों मिक्स डालने से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है, और मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालूंगी इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए, और ये बनाना भी काफ़ी आसान है। और ये मेरे पास यहाँ पे जो मैंने लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है जीरा है, जो साबुत जीरा होता है और साबुत काली मिर्च होती है, वो दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा कूट लिया है कुंडी दस्ता में। आप चाहो तो मिक्सर में भी कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है, इसको एकदम पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि जब खाते टाइम वो मुंह में आता है वही इसका मज़ा है। तो बस ये डलेगा, मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा है उसको क्रश किया था, सो क्रश जीरा और क्रश काली मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसको थोड़ा डिफरेंट टच देना है, तो आप यहाँ पे इसके बदले, काली मिर्च और जीरे के बदले, आप ओरेगानो और चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, बट ये ट्रेडिशनली इसमें यही डलता है, जीरा और काली मिर्च। कुछ लोग खाली काली मिर्च भी डालते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। बस इसमें और कुछ नहीं डलेगा फ्रेंड्स, पानी से इसका आटा हमें करना है। बट उससे पहले ये जो मोइन डाला है वो हमें देखना है कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मोइन जितना अच्छे से लगेगा उतना ही ये क्रिस्पी बनेगी हमारी जो पूरी है। तो मोइन देखने का यही तरीका, जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब भी किसी क्रिस्पी चीज़ को बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे हमको इसमें तेल या घी का मोइन डाल के फिर ऐसे करके देखना है। तो आप देख रहे हो ये मुट्ठी में जो है ये खुलता नहीं है, ये आटा एकदम बन के रह गया, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट इसमें मोइन है। इसको मुट्ठी पण तो मोड़ कहते हैं गुजराती में, ये मुट्ठी बना के हम करते हैं इसलिए। तो इतना मोइन होना बहुत ज़रूरी है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। और जब हम इसमें पानी डालेंगे,
तो आपका पानी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा पानी यूज़ मत करना। पानी बहुत धीरे धीरे डालना है क्योंकि मैदा है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे पानी डाल के हमें एकदम ही कड़क डो इसका रेडी करना है। आपका डो नरम होगा तो भी जो पूरी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली इस डो को आपने रेडी करना है। तो फ्रेंड्स ये आटा ना अब आप देख सकते हो रेडी है, बहुत ही कम पानी डाला है मैंने, तो ऑलमोस्ट 1/4 ग्लास जितने पानी में ही मेरा ये डो रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे लास्ट में और इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे, गीला कपड़ा ढक के रखेंगे ताकि आटा जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो। पहले इसमें ये मैंने तेल डाला है, इसमें अच्छे से इसको मसल लेते हैं आटे को, सारे आटे में लग जाना चाहिए, जो ये रेडी डो है उस पर ऑयल लग जाना चाहिए। आप देख सकते हो ये आटा कितना कड़क है फ्रेंड, इतना ही कड़क आटा चाहिए अगर आपको ये क्रिस्पी फर्सी पूरी बनानी है। तो अब इसको हम गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए, फिर इसको बेल के हम पूरी बनाना शुरू करेंगे। आधा घंटा हो गया है, मैंने इसको गीले कपड़े से ढक दिया था फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये आटा अब एकदम सही हो गया है। इसको और थोड़ी देर हम मसलेंगे, ज़्यादा नहीं मसलना है, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेना है मसल के, और फिर इसके हम एक साइज़ के गोले बना देंगे और फिर इसकी पूरियाँ बेलना शुरू कर देंगे। ये फर्सी पूरी फ्रेंड्स मेरे पापा की फेवरेट है, उनको बहुत ही पसंद है। अभी भी हम लोगों के हाथ की मम्मी के जैसी नहीं बनती है, लेकिन हाँ हम लोगों ने उनसे सीखा है तो कोशिश ज़रूर करते हैं कि उतनी टेस्टी हम बना सके। बस ये आटा एकदम अब रेडी हो गया है। अब इसमें से हम ऐसे लंबे लंबे इसके बना लेंगे और फिर इसको एक साइज़ का काटने के लिए भी हमारे पास आइडिया है कि कैसे हम सारी पूरी एक साइज़ की, वैसे तो जो रेगुलरली बनाते हैं उनको पता होता है, जजमेंट से वो कर लेते हैं, बट अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले एक एक इसके लंबे लंबे ऐसे वाटे इसके बना सकते हैं और फिर इसको हम एक ही साइज़ के काटेंगे, किसी भी पटरी पे या चॉपिंग बोर्ड पे रख के आप प्लेट में रख के इसको काट सकते हो। हाथों से पहले एकदम इसको स्मूथ कर दीजिए। और छोटी छोटी साइज आप जिस साइज़ की फर्सी पूरी चाहिए उस हिसाब से आप इसको उस साइज़ के आप काट सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है, गुजरात में ये पूरियाँ वैसे भी छोटे छोटे, पूरी रोटी ये सब छोटे छोटे साइज़ के ही बनते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको रख के अच्छे से इसे रोल कर लूँगी और इसके हम छोटे छोटे पीस में इसको कटिंग कर लेंगे इसका एक चप्पू की मदद से। अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा आटा ये रेडी हो गया है। ऐसे आप सारे एक साइज़ के गोले इसके बना सकते हैं और फिर इसकी हम पूरी बेलेंगे। ये पूरी होती है वो छोटी होती है, लेकिन थोड़ी सी ये थिक बेली जाती है, एकदम पतली नहीं बेली जाती है। तो ऐसे ही हम सारे रेडी कर देंगे और फिर इसको हम बेलना शुरू करेंगे। चलिए अब ये सारे गोले इसके बन गए हैं, इतनी साइज़ के गोले फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं सारे इक्वल साइज़ के, इसको हम बेल लेंगे। इसको कड़क करने का ये था कि इसमें अब जब हम बेलेंगे इजीली ये बेला जाएगा, इसमें ना तो ऑयल या सूखा आटा कुछ भी नहीं चाहिए, इजीली आप इसको बेल सकते हैं। पहले हम सारी ये बेल के एक साथ इकट्ठी करके, एक ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर पे हम पहले सारी बेल के रख देंगे और थोड़ी सी कुछ थोड़ी हद तक इसको सूखना देना होता है, ज़्यादा नहीं बट 5-10 मिनट बस ये थोड़ी सी सूख जाएगी, फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे हम। ऐसे ही हम सारी पूरी जो हमारी है वो बेल लेंगे। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, ये इतनी थिकनेस इसकी होती है फ्रेंड्स। ये जब हम फ्राई करेंगे फिर तभी ये करारी बनेगी, कुरकुरी बनेगी। इसके ऊपर हम ये मेरे पास एक फोक है या किसी चक्कू की मदद से भी आप थोड़े थोड़े कट डाल सकते हो, हम इसको फोक से
ट्रिक कर देंगे ताकि ये जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारी पूरी फूलेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। सारी पूरियां हम ऐसे फ्रेंड्स रेडी कर लेते हैं, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स जो एकदम ऐसे छोटे छोटी पूरियां बनाना जिनको पसंद नहीं है या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एकदम गोल बनेगी, उनके लिए भी एक आइडिया है। हम एक बड़ा सा गोला लेके इसको एक बड़ी सी रोटी पहले बना लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी आप बनाएं वो गोल बने, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, क्योंकि फिर हम किसी गोल कटर की मदद से इसको काट लेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपको राउंड पूरी मिलेगी और दूसरा ये होगा कि सारी पूरी आपकी अपने आप ही एक साइज़ की हो जाएगी जब आप उसको कटर की मदद से काटेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और इसको बेल लेती हूँ, पतला बेलना है इसको हमें। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा रोटी मैंने बना लिया है। अब ये मेरे पास एक ढक्कन है, मैं उसकी मदद से इसको राउंड कट कर लूँगी। आप देख सकते हो आपको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ का आप कोई भी किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हो। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर ले सकते हो। और उसको हम अच्छे से ऐसे काट लेंगे, थोड़ा सा वज़न दे के काटेंगे ताकि अच्छे से ये कट हो जाए। तो बस ये आप देख सकते हो मैंने सारी एकदम रेडी कर दी है। अब इसको हम अच्छे से ये जो आटा है उसको हल्के से हम उठा लेंगे ताकि ये जो पूरियां हैं हमारी वो एकदम से सारी आप देख सकते हो एक ही साइज़ की बन गई है। आप जो ढक्कन लेते हैं वो थोड़ा सा शार्प हो तो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से कट जाएगा तो ये फिर आपको आटा निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पूरी पे थोड़ा सा वज़न देख के अगर आप पूरी को कट करोगे कटर से तो जब ये आप आटा उठाते हो तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बस ये पूरियां हमारी रेडी हो गई है एक साइज़ की। इस पे हम इसे फोक की मदद से पिक कर देंगे। फ्रेंड्स ये फर्सी पूरी है वो ऐसी है कि आप वैसे तो इसको स्नैक्स में तो एंजॉय कर ही सकते हो, बट इसको आप पापड़ी चाट भी अपना इससे बना सकते हो या भल्ला पापड़ी चाट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक तो वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें होते हैं। तो ये आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी भी सारी रेडी हो गई है और थोड़ी सी 5 मिनट मैंने रख दिया था तो तब तक ये सारी ड्राई भी हो गई। आप देख सकते हो मैंने एक प्लेट में इनको ले लिया है, पेपर पे सुखाया था इनको। अब यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो रहा है, पहले मैं तेल चेक कर लूँगी कि गर्म हुआ कि नहीं। उसके लिए एक छोटा सा आटे का पीस टुकड़ा हम डालेंगे। आप देख सकते हो अपने आप ऊपर आ गया, दैट मीन्स कि तेल हमारा एकदम गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी पूरियाँ डालेंगे फ्राइंग के लिए। तेल का टेम्परेचर अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हम इसमें पूरी डालेंगे। और इसको हम होने देंगे थोड़ी देर तक। ये पूरियां वैसे इसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक ही हमें इसको फ्राई करना है, इसको रेड नहीं करना है। दरअसल ये थोड़ी सी कलर में वाइटिश होती है, एकदम ब्राउन नहीं होती है, वैसी ही इसको बनाते हैं। तो ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा पलट देंगे। आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ गया है सारी पूरी पे। मैं टेम्परेचर तेल का थोड़ा गैस कम कर दूंगी क्योंकि स्लो आंच पे अब इसको हम थोड़ा सा होने देंगे, जैसे हमारी पूरी जो है वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। ये थोड़ी सी मैंने थिक रखी है इसीलिए स्लो टू मीडियम आँच पर अगर हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी होगी पूरी। हमें ऐसे ही बाकी सारी पूरियों को फ्रेंड्स फ्राई कर लेना है। और जैसे मैंने पहले बताया था इस पूरी को आप ठंडा करके फिर एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ये पूरी ज़रूर बनाइए स्नैक्स में, ट्राई कीजिए अपने घर में और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि जो लोग शीतला सातम बनाते हैं वो शीतला सातम में क्या क्या चीज़ें आप अपने घर में बनाते हैं, ताकि मुझे भी कुछ नया आइडिया मिलेगा। तो फ्रेंड्स वंस अगेन सो दिस इज़ अल्पापुरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी कुकिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय फेस्टिवल्स, हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस टू एवरीबॉडी।